मेरे को करीबन 6-7 साल से एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है। कल सुबह मेरी सर्जरी हुई थी, उसके बाद मैंने लिक्विड लिया और नाश्ता वगैरह किया, खाना खाया और 2-3 घंटे में मैं फिरा इधर उधर और मेरे को छुट्टी होने वाली है। अभी 4 महीने हो गए सर्जरी को, मैंने कुछ भी एंटासिड दवाई वगैरह कुछ भी नहीं खाए है, सब दवाएँ मेरी बंद है अभी, और सब कुछ खा पी रहा हूँ और सब अच्छे से ठीक हुआ, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम सचिन चांदेकर हूँ, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरे को करीबन 6-7 साल से एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है और मेरे गले में अभी 1 साल से पहले से मेरे को हाइटस हर्निया निकला और मैं नागपुर में डॉक्टर को 2-4 डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरे को वो गोलियाँ लिख के देते थे एंटासिड सिर्फ, और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता था। इसलिए मेरे को एक नागपुर के डॉक्टर ने, डॉक्टर चिराग ठक्कर साहब का सजेशन दिया, इसलिए मैं डॉक्टर चिराग ठक्कर साहब की तरफ ऑनलाइन वीडियो के मार्फत उनसे मैंने सलाह लिया और उन्होंने बोला कि आप अहमदाबाद आ जाइए, फिर आपको पीएच मैनोमेट्री स्टडी, ये टेस्ट टेस्ट रही थी, उस टेस्ट से आपको पता लगेगा कि आपकी एसिड रिफ्लक्स कितना हो रहा है और आपको प्रॉब्लम कितना है, उसके बाद में बात का डिसीजन लिया जाएगा। इसलिए मैं आज कल आया यहाँ पे, यहाँ पे नज़दीक एक होटल है वहाँ पे रुका हूँ और पीएच स्टडी, एक कल सवेरे मेरी एक टेस्ट हुई और उसके बाद में एक दूसरी टेस्ट हुई पीएच मैनोमेट्री, अभी 24 आवर्स की अभी ये चालू है। अभी मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कुछ खाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है और कुछ, कल सवेरे मैंने खाना खाया, शाम को भी खाया, आज सवेरे नाश्ता किया है मैंने, तो कुछ निगलने में और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, और जब ये टेस्ट हो रही थी 24 आवर्स की तभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अब आज अभी डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं और क्या अभी बता दिए, ये टेस्ट होने के बाद फिर ये रिजल्ट निकलेगा इसका। सर धन्यवाद। मैंने सर को दिखाया था तो सर ने मेरे को पी एच स्टडी कराना करवाने के लिए बोले थे। पी एच स्टडी की मैंने, पी एच स्टडी में मेरा एसिड ज़्यादा रिफ्लक्स हो रहा था, तो सर ने मेरे को सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करने की अनुमति दी और सर्जरी की तो अच्छा रहता है ऐसा बताया। कल सुबह मेरा सर्जरी हुई थी, सर्जरी होने के बाद मैंने जूस वगैरह लिया, लिक्विड वगैरह पिया, उसके बाद में नाश्ता वगैरह किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ अच्छा था। और कुछ जी सर्जरी के बाद में कुछ लोग बोलते थे कि कुछ प्रॉब्लम आता है, ये होता है वो होता है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ और सब ठीक है अभी, और शाम तक आज सर्जरी मेरे को छुट्टी हो जाएगी। 2 दिन पहले मेरी सर्जरी हुई थी और कल ही मेरे को डिस्चार्ज मिल गया, उसके बाद में आज डॉक्टर साहब की तरफ आया हूँ और मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं खा भी सकता हूँ, चल भी सकता हूँ, उड़ भी सकता हूँ। सर्जरी इतनी बड़ी नहीं रहती, सर्जरी के कारण कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को और अब सब कुछ ठीक है और मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ। मेरा 4 महीने पहले सर्जरी हुई थी, उसके बाद में मुझको आराम हो गया। अभी 4 महीने हो गए सर्जरी को, मैंने कुछ भी एंटासिड दवाई वगैरह कुछ भी नहीं खाई है, सब दवाएँ मेरी बंद है अभी, और सब कुछ खा पी रहा हूँ और सब अच्छे से ठीक हुआ अभी। अभी सब कुछ बढ़िया है, सभी मेरे नॉर्मल काम का चालू है, जैसे नॉर्मल लाइफ में पहले जी रहा था वैसे अभी नॉर्मल लाइफ में अभी भी जीना चालू है और सब कुछ अच्छा चल रहा है।